पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर के तरफ से 62 पदों पर शानदार वैकेंसी आने वाली है। इसके लिए रास्ता साफ हो चुका है और ये वैकेंसी इसी महीने अर्थात दिसंबर 2021 में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। अभी से इसकी तैयारी में आप लोग जुट जाइए और इसमें कौन कौन से पद आने वाले हैं इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी यूट्यूब चैनल सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन के इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिए ऐसी ही और नए नए जानकारी के लिए। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना ताकि आपको पता चल जाएगा कि रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर में आपका प्रोफेसर भर्ती का जो रास्ता साफ हो चुका है उसमें 62 पदों पर भर्ती वैकेंसी आने वाली है और उसमें कौन कौन से पद आने वाली है इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को तो मिल जाएगा। लेकिन आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी से कर लीजिए, क्योंकि जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आपको वेतन क्या मिलने वाली है और आपको क्या क्या इसके लिए करना पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर पंडित रविशंकर, मैं आपको स्क्रीन पर भी ले जाता हूँ। यहाँ पर आपको लिखा गया है कि पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जो है जल्द शुरू होने वाली है। सोमवार को विश्वविद्यालय में हुई रोस्टर कमेटी की बैठक में भर्ती को लेकर सहमति बन गई है। अर्थात रोस्टर कमेटी जो बनाया गया था और ये कमेटी पहले ही बना दिया गया था, क्योंकि ये भर्ती जो है कोरोना काल के पहले था तो उसी कारण से इसका भर्ती नहीं हो पाया था और विज्ञापन भी लेट हो गया था, तो इस महीने विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। आप लोग यहां पर देखेंगे, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि 62 पदों पर भर्ती के वैकेंसी के लिए हो जाएगा। और यहां पर कहा गया है कि इसमें शैक्षिक के अलावा गैर शैक्षिक पद भी है। रविशंकर विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए प्रस्ताव भी इसके लिए तैयार कर दिया गया है और ये मार्च 2021 के कार्य परिषद ने भर्ती की अनुमति दी थी, लेकिन कोरोना के कारण इसका कुछ आगे नहीं बढ़ पाया। इसके अलावा कुछ तकनीकी दिक्कत भी आ गया था, इसीलिए ये भर्ती नहीं हो पाया था। लेकिन अब सभी पेज जो है इस पर खत्म हो गया है, इसी महीने के भर्ती को लेकर सूचना जारी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसी महीने आपको सूचना आपको देखने को मिल जाएगा। अरे, यहाँ पर मीडिया जो कि आप देखेंगे तो मैं दैनिक भास्कर का ये 14 दिसंबर आप लोग ऊपर पर देखें राइट हैंड साइड पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मंगलवार 24 दिसंबर 2021 का न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर, चाहे तो आप देखे भी होंगे। तो इसमें कहा गया है कि 62 पदों के लिए भर्ती होगी, कार्य परिषद के लिए पहले ही सहमति मिल चुकी है, इसलिए अब आवेदन से संबंधित सूचना जारी की जाएगी। विश्वविद्यालय में शैक्षिक पदों के तहत प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती होने वाला है, आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लिखा गया है प्रोफेसर का पद है, एसोसिएट प्रोफेसर है और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस 62 पदों में कि अब इसमें कौन कौन से पद के लिए कितने कितने वैकेंसी निकल करके आया हुआ है 62 पदों में। तो फिर से आपको यहाँ पर स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर सबसे अधिक पद जो है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, जहां पर आपको 23 पद देखने को मिलेंगे। इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 19 पद और विश्वविद्यालय को 10 प्रोफेसर और मिल जाएंगे। इसके लिए अशैक्षणिक पदों के लिए 10 पद जो है निकाल करके सामने लाया हुआ है, यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा अशैक्षिक पदों में प्रथम व द्वितीय श्रेणी के पदों के 10 पदों के लिए भर्ती होगी। इस संबंध में जल्द ही रविशंकर विश्वविद्यालय से विस्तृत सूचना जारी हो जाएगी। तो आप लोग भी बिल्कुल से अपडेट रहिए, क्योंकि आप लोग भी इस फॉर्म को भरने की इच्छुक हैं तो उनके साइट पर आप लोग जरूर से विजिट करते रहिए, देखते रहिए कि कब वैकेंसी आने वाली है और इसके लिए कब, क्योंकि इसी महीने के अंतिम तक ये इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा।
तो 62 पद अच्छा खासा पद मिल रहा है, और इस पर किस प्रकार से भर्ती होने वाली है तो इसकी पूरी जानकारी उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, या तो फिर उसके सूचना पटल पर भी जा सकते हैं और रविशंकर से विस्तृत जानकारी भी ले सकते हैं। तो ये रहा आज का कुछ महत्वपूर्ण, जो प्रोफेसर भर्ती होने वाला है 62 पदों पर उसकी पूरी जानकारी, और इसकी अगला वीडियो और लेकर के आऊंगा जब भी इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, तो उसकी पूरी तमाम जानकारी इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो यहां तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइक जरूर से कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।